like a Hellcat. Hello everyone, welcome again. Real analysis, topology of real numbers. कुछ videos topology of real numbers के पहले ही provide कर चुका हूँ मैं, 3-4 lectures हम कर चुके थे. क्योंकि statics और dynamics के center of gravity की काफ़ी demand आ रही थी, तो center of gravity के मैंने topics इसके बीच में करा दिए थे. तो topology of real numbers के जो sequence चल रहा था, अब उस sequence को आगे फिर कंटिन्यू करते हुए आज का जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर गया हूँ, इस नेक्स्ट वीडियो में इंटीरियर ऑफ अ सेट हम पढ़ेंगे. नेबरहुड के बारे में काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ. अगर आप प्रीवियस वीडियोस के लिंक देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से दे सकते हैं. तो इंटीरियर ऑफ अ सेट, इससे पहले ओपन सेट भी पढ़ा था हमने. इंटीरियर ऑफ अ सेट है क्या? अ रियल नंबर एक्स इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a set A if A is a neighborhood of X. एक एग्जाम्पल में लेता हूं. एक इंटरवल आपको दे दिया 5.8, ये इंटरवल है, और छोटा इंटरवल ले लेते हैं 5.6 का ले लिया. अब मुझे एक पॉइंट दिया हुआ X 5.4, आपको चेक करना है कि क्या ये पॉइंट इस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है. तो नंबर लाइन की अगर हम बात करें, ये 5 ले लिया हमने और ये 6 ले लिया. थोड़ा सा और डिस्टेंस को बढ़ा दे रहा हूँ मैं ताकि इजीली समझ में आ जाए. ये 6 ले लिया हमने, तो 5 और 6 का इंटरवल आपको दिया हुआ है. ये इंटरवल ए है, आपको चेक करना है कि ये पॉइंट 5.4 क्या इस पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं है. तो आपको देखना है कि क्या 5.4 जो पॉइंट होगा, सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या ये 5.4 जो पॉइंट है, क्या ये इस इंटरवल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर ये पॉइंट इस इंटरवल से ही बाहर का पॉइंट है तो इंटीरियर पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नेबरहुड नहीं हो पाएगा. ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा. तो अगर वो पॉइंट, जो पॉइंट आपको चेक करना है कि वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, अगर वो पॉइंट उस इंटरवल से बाहर है तो फिर तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधे सीधे इंटीरियर पॉइंट उसका नहीं होगा. लेकिन अगर वो पॉइंट इसके अंदर का है तो तब ये इंटीरियर पॉइंट हो सकता है. फिर उस केस में आपको क्या देखना है, इस 5.4 को कंटेन करने वाला एक कोई भी ओपन इंटरवल देखना है. 5.4 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल अगर इस ए के अंदर आ जाए तो उस केस में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस इंटरवल का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट. जैसे मैं 5.3 और 5.5 की बात करूं, तो ये जो इंटरवल है, ओपन इंटरवल, ये किसको कंटेन कर रहा है, 5.4 को. और ये जो ओपन इंटरवल आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है, सबसेट ऑफ ए है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस केस में इस पॉइंट को हम इस इंटरवल का क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट. तो मैथमेटिकली बात करें तो ए एक्स, एक पॉइंट इस ए का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब एक्स को कंटेन करने वाला कोई भी एक छोटा सा ओपन इंटरवल हम लें एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये एक्स को कंटेन कर रहा है. ये ओपन इंटरवल किसके अंदर आना चाहिए, ए के अंदर. यही कंडीशन किसकी थी, नेबरहुड की. या हम सीधा सीधा कहें कि ए जो है एक्स का क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए. नेबरहुड में भी यही कंडीशन थी. तो अगर कोई सेट, कोई भी इंटरवल किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो वो पॉइंट उसका क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा. तो ये सब टर्म जो है इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से. तो एक्स इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब एक्स को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल जो हम लें वो उस इंटरवल के अंदर कंटेन होना चाहिए, जो इंटरवल आपको दिया है, तब हम उस पॉइंट को इसका क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे. और अगर हम नेबरहुड की बात करें या दूसरे टर्म्स में हम इंटीरियर पॉइंट की बात करें, तो कोई भी सेट ए किसी पॉइंट एक्स का इंटीरियर, सॉरी, कोई भी पॉइंट एक्स इस इंटरवल ए का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब ए इस एक्स का क्या होना चाहिए, नेबरहुड होना चाहिए. ऐसे भी आप समझ सकते हैं. तो ये यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ था. अब कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें, जैसे
ओपन इंटरवल की बात करें, आप याद कीजिए कुछ पॉइंट्स मैं पहले बता चुका हूं। अगर मैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी की बात करूं, तो ये ओपन इंटरवल हमने देखा था, ये अपने हर एक पॉइंट का क्या आ रहा था, नेबरहुड आ रहा था। तो ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट इसके लिए क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे, क्योंकि ये जो इंटरवल है अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। इट मीन्स ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। दूसरा, अब अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, इसको मैं ऐसे स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकता हूं, एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। क्लोज इंटरवल में आप याद कीजिए, क्लोज इंटरवल अगर हम ले रहे थे तो क्लोज इंटरवल में क्या हो रहा था, ये ए और बी को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स का क्या आ रहा था, नेबरहुड आ रहा था, क्योंकि ए को कंटेन करने वाला जो भी हम छोटे से छोटा ओपन इंटरवल ले रहे थे वो इसके अंदर नहीं आ पा रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, एवरी पॉइंट अदर देन ए एंड बी आर इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में ए और बी को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स इस इंटरवल के लिए क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। अब हमने क्या किया, कोई भी सेट हमको दिया, कोई भी एक इंटरवल हमको दे दिया ए, इसके हमने सारे इंटीरियर पॉइंट्स निकाल दिए, ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स। तो ये जितने ए के अंदर इंटीरियर पॉइंट्स थे वो सारे हमने निकाल दिए, उनका फिर हमने कलेक्शन बना लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, वो हमने निकाला। जितना पूरा कलेक्शन आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ सेट ए। तो किसी भी सेट का इंटीरियर क्या होगा, किसी भी सेट का इंटीरियर का मतलब है उसके सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स को एक कलेक्शन की फॉर्म में हम लिख दें, एक सेट की फॉर्म में हम लिख दें, वो सेट ए का क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। और इसको डिनोट करते हैं हम ए इंटीरियर इस तरीके से। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट और इंटीरियर ऑफ अ सेट में क्या डिफरेंस हुआ, किसी भी पॉइंट को इंटीरियर बोलेंगे हम किसी सेट का कब, जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल उस सेट के अंदर आना चाहिए, तो उसको इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। और इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या है, किसी भी सेट के हमने सारे इंटीरियर पॉइंट्स हमने निकाले, और इंटीरियर पॉइंट्स निकालने के बाद उनका जो पूरा कलेक्शन होगा, उसका पूरा जो सेट होगा, उसको हम उस सेट का क्या बोलेंगे, इंटीरियर, और उसको डिनोट करेंगे ए इंटीरियर इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, इंटीरियर निकालने के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं अलग अलग पार्ट्स की फॉर्म में। हर एक केस में आपको क्या निकालना है, इस सेट का इंटीरियर निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल की हेल्प से आपका ऑलमोस्ट जो कंसेप्ट है इंटीरियर का वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नेबरहुड और ओपन सेट्स वगैरह क्लियर हैं तो ये बड़े इजीली आप समझ में आ जाएगा। अगर सीक्वेंस में वीडियोस नहीं देखेंगे आप तो ये इंटीरियर पॉइंट्स में समझ में नहीं आएगा। तो नेबरहुड पहले ध्यान से कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद ये इंटीरियर आपको क्लियर होगा। पहला जो पार्ट है इसका वो है 1 2 3 4 5, इसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, नॉन एम्प्टी है, एंड क्या है, इज फाइनाइट। तो अगर कोई भी सेट नॉन एम्प्टी और फाइनाइट है तो उसका जो इंटीरियर आएगा वो इंटीरियर क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा उसका, यानी कि उसका कोई भी इंटीरियर आपको मिलने वाला नहीं है। ये प्रॉपर्टी से भी आप इसको समझ सकते हैं, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, ए इंटीरियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव। या एक तरीका मैं क्या ले लूँ, यहाँ से एक्स कोई भी एक एलिमेंट ए का ले लिया, या एक्स ना लेकर के मैं कोई भी एलिमेंट इसका ले लेता हूँ, थ्री, थ्री ले लिया। अब थ्री को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल अगर हम लें, थ्री को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल क्या बनेगा, थ्री माइनस एप्साइलन, थ्री प्लस एप्साइलन, 3.5
और 2.9, हमने सपोज कोई छोटा सा इंटरवल लिया जो 3 को कंटेन कर रहा है, क्या ये ओपन इंटरवल इस ए का सबसेट बन सकता है यहाँ पे? क्योंकि 3 के बाद अगला पॉइंट यहाँ पे सीधा 4 आ रहा है, 3 के बाद के पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो 3 के बाद के पॉइंट्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब 3 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल इस ए का सबसेट नहीं आ रहा है, सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब 3 इसका नेबरहुड जो है उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या फिर हम कहें कि ए जो है 3 के लिए नेबरहुड का काम नहीं कर रहा है। ऐसे अगर हम 3 की जगह 2 ले लें तो ये ए 2 का भी नेबरहुड नहीं होगा, ऐसे 1 का भी नहीं होगा, क्योंकि 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल भी हम लें वो ए के अंदर नहीं आएगा। तो ये जितने पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट को चेक करेंगे तो कोई भी पॉइंट इस ए के लिए इंटीरियर पॉइंट का काम नहीं कर रहा है। इट मीन्स ए का इंटीरियर अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आप ये प्रॉपर्टी याद रखें कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है तो उसका इंटीरियर क्या आएगा, नल सेट आएगा, यानी कि उसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, ओपन इंटरवल, ये तो मैंने अभी प्रॉपर्टी में भी आपको बताया, इसको बी मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्लोज इंटरवल अगर हम लेते हैं, उस क्लोज इंटरवल में वो क्लोज इंटरवल अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, सिर्फ उनके एक्सट्रीम पॉइंट्स को अगर हम छोड़ दें, 0 और 1 को छोड़ देंगे तो इसके बीच के सारे पॉइंट्स का ये क्या होगा, नेबरहुड होगा। इट मीन्स बी का हम इंटीरियर निकालेंगे तो 0 और 1 को छोड़ देंगे, बाकी सारे पॉइंट्स इसके लिए क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो बी इंटीरियर क्या हो जाएगा, 0.1 का ओपन इंटरवल। थर्ड सी, 0.1 यूनियन 3.5। अब इसको ध्यान से समझिए आप और इसको सोचिए कि इसका जो इंटीरियर है वो क्या हो सकता है। इस पहले वाले क्लोज इंटरवल को देखिए आप, क्लोज इंटरवल में 0 और 1 को छोड़ दे तो बाकी सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। यूनियन यहाँ क्या हो जाएगा, 3.5 का ओपन इंटरवल, तो ये तीसरा जो पार्ट है उसका इंटीरियर का कलेक्शन हो जाएगा, सी इंटीरियर। थर्ड, सॉरी ये फोर्थ पार्ट है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखिए आप, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आप पुरानी वीडियोस अगर याद करें, आपको मैंने वहां बताया था कि रैशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो रैशनल नंबर्स अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स में क्या होता है, फ्रैक्शंस में नंबर आते हैं, जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल में अगर लूँ, 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन, ये क्यू का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, इस ओपन इंटरवल में बहुत सारे इरेशनल नंबर आएंगे, तो इरेशनल नंबर जो है रैशनल नंबर का सबसेट हो ही नहीं सकता। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या वो प्रॉपर्टी याद करें कि जो रैशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं था, तो इसका कोई कोई भी पॉइंट नेबरहुड नहीं बन पा रहा है, तो इसमें अगर आप इंटीरियर निकालेंगे तो इसका इंटीरियर क्या आ जाएगा, नल सेट, यानी कि कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट भी पहले आपको बता चुका हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड आ रहा था, पहले हमने देखा था रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सबके लिए ये क्या था, नेबरहुड था, तो इसका इंटीरियर अगर हम निकालेंगे तो फिर से वो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का इंटीरियर क्या होगा, रियल नंबर्स। एंड द लास्ट वन इज 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये बनेगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इसमें अगर आप कोई भी एलिमेंट p मान लिया इसको, इसका कोई भी एलिमेंट अगर आप लोगे x, और x को कंटेन करने वाला अगर आपने कोई भी ओपन इंटरवल लिया, क्या वो p के अंदर आएगा या नहीं आएगा, आप सोचिए। आप 1/2 को ही ले लिए, 1/2 को कंटेन करने वाला जो भी ओपन इंटरवल होगा वो इस पी का सबसेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1/2 के बाद जो अगला रियल नंबर आएगा वो ना तो आप बता सकते हो और ना ही वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1/2 को कंटेन करने वाला जो ओपन इंटरवल होगा उसके बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ नहीं आ रहे हैं, और यहाँ नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स वो पी का सबसेट नहीं बन पाएगा। तो मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया, तो पी के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उसको उनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, या फिर एक्स आपने पी का एक पॉइंट लिया और एक्स को कंटेन करने वाला जो ओपन इंटरवल आपने लिया है वो पी के अंदर नहीं आ रहा है। इट मीन्स कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स पी इंटीरियर क्या हो गया, 5। तो
ये इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट और इंटीरियर ऑफ अ सेट हमने देखा। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है और इंटीरियर किसी सेट का क्या होता है। इंटीरियर पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सीक्वेंस में वीडियोस को देखें तो आपको रियल एनालिसिस के ये टॉपिक्स काफ़ी इजी लगेंगे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करें। जल्दी इसकी थ्योरम्स की वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा।